आज का लेसन है ए थीव्स स्टोरी। ठीक है, बहुत आसान इजी इसके प्रश्नोत्तर है। फर्स्ट देखते हैं, हाउ डज थीव थिंक, ये चोर कैसे सोचता है, विचार करता है कि अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अनिल चोरी पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, इस पर अनिल है ना, ये चोरी पर क्या रिएक्ट करेगा। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया करना, कोई चीज़ की क्या होता है रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया करेगा जब उसको पता चल जाएगा कि उसको लूट लिया गया है, तो क्या प्रतिक्रिया करेगा चोर, इसके बारे में क्या सोचता है। ध्यान दो, बहुत सिंपल है, ही वुड सो, वह दिखाएगा ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। वुड सो का अर्थ है दिखाएगा, क्या आएगा वुड सो, क्या दिखाएगा, केवल एक निराशा की भावना, उदासी की भावना, दुख की भावना दिखाएगा। ओनली यानी केवल, टच यानी ए टच ऑफ सैडनेस, एक उदासी की भावना दिखाएगा। उसके हृदय में एक महसूस होगा, उसको एक दुखपन महसूस होगा। किस कारण होगा ये दुख उसको, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे की हानि हो गई इसके लिए नहीं दिखाएगा, पैसे की हानि हो गई है इसके लिए नहीं दिखाएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास खो जाने के कारण दिखाएगा। बट यानी लेकिन, फॉर यानी के लिए, द लॉस ऑफ ट्रस्ट, किसके लिए दुख होगा उसको, विश्वास की हानि या विश्वास खोने का उसको दुख होगा, मतलब उसको सैडनेस होगा। ही वुड सो, वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सैडनेस दिखाएगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता इतना, तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं, सैडनेस। ही वुड सो सैडनेस, यानी ये टच ऑफ सैडनेस, एक दुख की भावना वो प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खो जाने के कारण, उसके पैसे चले गए इसके लिए नहीं। बिकॉज अनिल वाज ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि अनिल कैसा व्यक्ति था, अनिल एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अनिल वाज ट्रस्टिंग, यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति था, हर किसी का विश्वास कर लेता। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह प्राप्त करता है अनिल से, इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, रिटर्न यानी बदले में ऑफ फॉर आर वर्क, यानी आपने काम के बदले में अनिल क्या प्राप्त करता है, सॉरी अनिल से क्या मिलता है, किसको, हरी सिंह को। हमें ध्यान रखना है कि हरी सिंह गेट, हरी सिंह प्राप्त करता है अनिल से अपने काम के बदले में, क्या, ही गेट्स। देखो यहाँ डज आया है, तो इसमें हमें, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस एक वचन के साथ ऐसे यहाँ यस लग गया। ही गेट्स, वो प्राप्त करता है फूड एंड अकोमोडेशन, वो क्या प्राप्त करता है उसको, फूड और अकोमोडेशन मिलता है। दो ध्यान रखना, हरी सिंह को अनिल से क्या मिलता है, फूड एंड अकोमोडेशन, भोजन और अकोमोडेशन का अर्थ होता है आवास, ठीक है। लेकिन जो हरी सिंह के द्वारा चोरी करने के बाद, अब अनिल उसको कुछ पेड भी करेगा, और सम मनी भी अपन लिख सकते हैं, सम मनी। जब हरी सिंह ने अनिल की चोरी कर ली है ना, उसके बाद अनिल ने कहा कि अब मैं तुम्हें नियमित रूप से पेड करूंगा, यानी सम मनी भी लिखेंगे। तो ही गेट्स फूड अकोमोडेशन एंड सम मनी, और अनिल उसको क्या सिखाता है, नेक्स्ट क्या है, ही अनिल टीचेज, अनिल सिखाता है, ही मैनी उसको, टीचेज यानी पढ़ाता, सिखाता उसको, क्या सिखाता है, टू राइट, लिखना, एंड टू रीड, पढ़ना, टू रीड एंड राइट यानी पढ़ना लिखना भी सिखाता है। अनिल हरी सिंह को कुछ पढ़ना लिखना भी सिखाता है, टू रीड एंड राइट। नेक्स्ट है, हु वाज अनिल, अनिल कौन है, अनिल वाज ए राइटर, अनिल एक लेखक है, जो मैगजीन के लिए कुछ लिखता है, और लिखने के बदले उसको चेक भी मिलता है। अनिल वाज ए राइटर, अनिल कौन है, राइटर है, बहुत सिंपल है। ही वाज 20 years old, और वो कितने का है, 20 years old है, 25 years old। ही वाज ए यंग मैन, और वो क्या है, यंग मैन है, एक नौजवान व्यक्ति है। तो मैंने, अनिल वाज ए राइटर, ही वाज 25 years old। हु वाज हरी सिंह, इसमें हरी सिंह कौन है, हरी सिंह वाज ए थीप, हरी सिंह एक चोर है। ही वाज 15 years old boy, ये 15 वर्ष का है, जो हरी सिंह कितने का है, 15 years old। और हरी सिंह क्या है,
ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थीप, वह एक अनुभवी चोर है. एक्सपीरियंस ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई डी, वह कैसा चोर है? एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी चोर है, ठीक है, चोरी करने का अच्छा खासा उसके पास में अनुभव है. तो हरी सी वॉज थीप और एक्सपीरियंस्ड थीप. एक्सपीरियंस का अर्थ हो गया अनुभवी. वाई डिड हरी सिंह टेक न्यू नेम? टेक यानी रखता है या लेता है? टेक यानी रखता है. न्यू नेम नया नाम एवरी मंथ, हरी सिंह प्रत्येक महीने अपना नया नाम क्यों रखता है? हरी सिंह प्रत्येक महीने अपना नया नाम क्यों रखता था? तो वाई डिड हरी सिंह टेक न्यू नेम एवरी मंथ? कारण क्या? बिकॉज ही वॉज ए थीप, क्योंकि वह चोर था इसलिए नया नाम रखता है. क्यों रखता है? बहुत सिंपल है, ही वॉज ए थीप, वह चोर है, मतलब वह चोर था. ही वॉज ए थीप. ही वॉन्टेड टू एस्केप, वह बचना चाहता था. बचना चाहता था, बचना था, चाहता था, मतलब वॉन्टेड टू एस्केप किससे? फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचना चाहता था. नेक्स्ट है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, यह हमें अनिल का चरित्र चित्रण बताना है. कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, ध्यान दो, अनिल वाज ए राइटर, अनिल एक लेखक था. अब हमें अनिल के बारे में कुछ बताना है कि अनिल कैसा था और क्या था. अनिल वाज ए राइटर, ही वाज ए यंग मैन, ही वाज 25 years old, ये उसका परिचय हो गया 25 years old. अब उसका कैरेक्टर क्या है, चरित्र उसका क्या है? ही वाज ए केयरलेस अबाउट मनी, पैसों के बारे. अनिल का देखो, अनिल वाज एक राइटर, अनिल राइटर था, ही वाज यंग मैन, ही वाज 25 years old, ही वाज ए केयरलेस, वह लापरवाह था. ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था. किसके बारे में था? तो जाएगा अबाउट मनी, ही वाज केयरलेस अबाउट मनी. ही टीचेज हरी सिंह, वह हरी सिंह को सिखाता है टू राइट एंड रीड, पढ़ना और लिखना. वह ट्राई करता है हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखाने की. ही टीचेज, टीचेज एंड सिखाता है, किसको सिखाता है? हरी सिंह को. क्या सिखाता है? टू राइट एंड रीड. ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता है कि फ्रेंड्स आर ट्रबल, जो मित्र है वो ट्रबल होते हैं, परेशानी होते हैं. नेक्स्ट अपना है कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ये अनिल के बारे में और ये हरी सिंह के बारे में जो एक चोर है. ही वाज ए यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का है. ही वाज ए यंग बॉय, इसमें लिखा ही वाज ए यंग मैन, ये हो गया ही वाज ए यंग बॉय. ही वाज 15 years old, यानी हरी सिंह वाज 15 years old. ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड थीप, वह एक अनुभवी चोर था. ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड चोर, एक्सपीरियंस्ड वो थीप. ही टुक न्यू नेम, वह हर महीने नया नाम रखता है. ही टुक न्यू नेम्स एवरी मंथ, हर महीने अपना नया नाम रखता है. ये भी आया ना, क्योंकि ही वाज ए, बिकॉज ही वाज ए थीप, वह चोर था. ही वाज एक्सपर्ट, वह काफी एक्सपर्ट था. एक्सपर्ट मतलब अनुभवी, चालाक था इन फ्लैटरिंग, चापलूसी करने में, चापलूसी करने में. इन फ्लैटरिंग अर्थ वह चापलूसी करने में वह एक्सपर्ट था. आफ्टर मीटिंग अनिल, अनिल से मिलने के बाद, ये प्रश्न ये भी आ सकता है, हाउ डिड अनिल्स हार्ट चेंज, अनिल का हृदय फाइनली कैसे बदल जाता है, या अनिल कैसे बदल जाता है? आफ्टर मीटिंग अनिल, अनिल से मिलने के बाद हरी सिंह का हार्ट है वो चेंज हो जाता है. ध्यान रखना, अनिल से मिलने के बाद इंग्लिश क्या बनेगी? आफ्टर मीटिंग अनिल, आफ्टर मीटिंग अनिल, अनिल से मिलने के बाद. हिज हार्ट चेंजेज, उसका हृदय बदल जाता है. हिज हार्ट चेंजेज, वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है. ही बीकेम ए जेंटलमैन, बीकेम यानी बन जाता है, जेंटलमैन यानी सज्जन व्यक्ति. ही बीकेम ए जेंटलमैन, वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है. तो फर्स्ट देखो, चोर के अनुसार जो अनिल इसके बारे में क्या सोचेगा, चोरी के बारे में क्या हो जाएगा, अनिल विल रिएक्ट, क्या प्रतिक्रिया करेगा.
ही वुड शो, वो दिखाएगा सैडनेस या ए टच ऑफ सैडनेस, जितना याद रहे उतना करना है, ए टच ऑफ सैडनेस या सैडनेस, नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, पैसे चले गए इसके लिए नहीं, फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खत्म हो गया इस कारण, बिकॉज कारण क्या है, अनिल वाज ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल विश्वास करने वाला आदमी है, विश्वास कर लेता है। हरी सिंह गेट अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या प्राप्त करता है, ही गेट फूड एंड अकोमोडेशन एंड सम मनी, इतना तो याद रहेगा ना, फूड अकोमोडेशन आवास एंड सम मनी। और अनिल उसकी क्या मदद करता है, अनिल टीचेज, अनिल सिखाता है हिम उसको, क्या सिखाता है, टू राइट एंड रीड। अनिल कौन है, हुवाज अनिल, अनिल वाज ए राइटर है, 25 ईयर्स ओल्ड है, यंग मैन है। हुवाज हरी सिंह कौन है, ही वाज, ये अनिल कौन था, अनिल वाज इन, ही वाज ए थीप, वह चोर था, 15 ईयर्स ओल्ड है, और ही वाज एन एक्सपीरियंस थीप, और वह एक अनुभवी चोर था। नेक्स्ट हो गया, वाई डिड हरी सिंह टेक न्यू नेम, हरी सिंह क्यों नाम रखता है नया, बिकॉज ही वाज ए थीप, वह चोर था, वांटेड टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचना चाहता था। कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल का, कैरेक्टर स्केच, तो अनिल वाज ए राइटर, अनिल राइटर था, अनिल वाज यंग मैन, ही वाज 25 ईयर्स ओल्ड, देखो वाज के साथ में लगाना है। नेक्स्ट शब्द ये, ही बिलीव्ड दैट फ्रेंड्स आर ट्रबल, और भी लिख सकते हैं, ही टीचेज हरी सिंह टू राइट एंड रीड। नेक्स्ट हो गया कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, तो हरी सिंह कौन था, ही वाज ए यंग मैन, सॉरी ही वाज ए यंग बॉय, 15 ईयर्स ओल्ड, एक्सपीरियंसड थीप, ही टुक न्यू नेम, नया नाम रखता है, और ही वाज एक्सपर्ट इन फ्लैटरिंग, जो हरी सिंह है वो फ्लैटरिंग करने में एक्सपर्ट है, ही वाज एक्सपर्ट इन फ्लैटरिंग। आफ्टर मीटिंग अनिल, अनिल से मिलने के बाद हिज हार्ट चेंजेज, ही बिकेम जेंटलमैन, वह सज्जन व्यक्ति बन जाता है।